ये है कि कोई कहीं से लड़ रहा है, कोई कहीं से लड़ रहा है, मुख्यमंत्री कहीं से लड़ रहा है, उप मुख्यमंत्री कहीं से लड़ रहा है, आपके ऊपर 403 विधानसभाओं की जिम्मेदारी है। आप कितना अपने आप को दबाव में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो रिजल्ट लाकर देना है वो आपको लाकर देना है, संगठन के मुखिया प्रदेश में आप हैं, इसका दबाव है कुछ? देखिए, सामूहिक नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी के जैसा कार्यकर्ता किसी दल में नहीं। हमारा मंडल अध्यक्ष, हमारा बूथ अध्यक्ष, हमारा सेक्टर संयोजक मंच पर भी धक्का खाता है, नीचे भी धक्का खाता है, फिर भी पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करता है। मोटरसाइकिल भी नहीं छुड़ा पाता है। हाँ, कभी कभी ये स्थिति आती है कि उसकी मोटरसाइकिल भी नहीं छूट पाती है, फिर भी वह जानता है कि मेरा दल, मेरा भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, और इस दल में यह दल ऐसा है, ये किसी वंशवाद की पार्टी नहीं, परिवारवाद की पार्टी नहीं। मंडल अध्यक्ष है, आज का मंडल अध्यक्ष, आज का बूथ अध्यक्ष, कल का प्रदेश अध्यक्ष है। आपने कहा आज का मंडल अध्यक्ष कल का जिला अध्यक्ष हो सकता है, कल का जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, तो आज का प्रदेश अध्यक्ष आगे कोई और जिम्मेदारी भी मिल सकती है? देखिए, संगठन में काम करना है, आप आए हैं केवल संगठन का काम करने, अपने बारे में मत सोचिए। संगठन का जो दायित्व मिलता है वह दायित्व का निर्वहन करना है। मेरा दायित्व है प्रदेश अध्यक्ष के नाते जिला मंडल सेक्टर को प्यार देना। जब इस तरीके से नेता जनसभाओं में भीड़ देखता है, लोग हाथ हिलाते हैं, अभिवादन करते हैं, तो उत्साहित हो जाता है नेता भी, भूख प्यास सब भूल जाता है। एक कार्यकर्ताओं की तपस्या है, हमारे नेताओं की तप तपस्या त्याग है। आदरणीय मोदी जी जैसा नेतृत्व इस देश को मिला। चर्चा क्यों है कि बीजेपी और चुनाव के बाद बीएसपी का कुछ सहयोग मिल सकता है, कुछ है क्या ऐसा? बसपा को सपा से ज्यादा न ले जाए। अच्छा, आप देखना, लोग समझ रहे हैं, बहुत साइलेंट उठे, हम तो समझ रहे हैं नीचे न बसपा को।